पीएम मोदी के नाम से कांग्रेस इतना डरती है कि उन्हें हर कहीं पीएम मोदी ही दिखाई पड़ते हैं। मामला कुछ भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, पीएम मोदी के ऊपर उसका ठीकरा फोड़कर कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और खुश हो जाते हैं। हद तो तब हो गई जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप 4 अक्टूबर को रात 9 बजे के बाद से कई घंटों तक डाउन रहा। फेसबुक सर्वर में तकनीकी खामी से हुई गड़बड़ी के कारण मार्क जुकरबर्ग को 600 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन भारत में कांग्रेस नेताओं ने ये अफवाह फैलाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को दबाने के लिए तीनों ऐप्स को बंद करवा दिया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने लिखा कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जानबूझकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बंद करवा दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा, विपक्ष नेताओं और किसान आंदोलन को दबाने के लिए ऐसा किया गया। उन्होंने इसके बावजूद ये सब लिखा जब सुबह से ही इन ऐप्स पर कांग्रेस पार्टी के नेता अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहे थे और योगी सरकार को बदनाम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राधिका खेरा ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए दावा किया कि डरपोक मोदी सरकार ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम शाम से बंद करवा दिया, बाकी गोदी मीडिया तो वैसे ही कंट्रोल में है, न कुछ चलेगा, न लोग खबर जानेंगे, लोकतंत्र को शांति मिले। उन्होंने एक और ट्वीट करके इस आरोप को दोहराया जिन पर लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की। इसी तरह तमिलनाडु में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हसन मौलाना ने लिखा कि प्रिय नरेंद्र मोदी जी, आप सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा को रोक नहीं सकते, इसलिए आपने ऐसा किया, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ऑप्शंस को ही सीज कर दिया। लोगों को समझाया कि ये सेवाएं तकनीकी खामी की वजह से पूरी दुनिया में ही बंद हैं, सिर्फ भारत में नहीं। रिप्लाई में लोगों ने उन्हें ये चीजें समझाई कि ये समस्या सोमवार रात करीब 9:15 बजे सामने आई थी। इसके बाद लोगों ने तुरंत ट्विटर पर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। इस आउटेज का असर अमेरिकी बाजार में फेसबुक के शेयर्स पर भी नजर आया और कंपनी के शेयर 6:6 तक गिर गए। 2019 से फेसबुक में अब तक का ये सबसे बड़ा स्लोडाउन हुआ था। उस समय भी कंपनी ने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी थी कि रूटीन मेंटेनेंस ऑपरेशन के दौरान कुछ खराबी आई थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।